दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एलआरसी बिहार ने बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी निकाला था, जो कि सभी पदों के लिए यहां पे काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त कर लिया गया है और साथ ही साथ विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का फाइनल मेरिट लिस्ट भी घोषित कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट का आरोप है कि यहाँ पे धांधली हुआ है। इस जो रिजल्ट आया है बंदोबस्त पदाधिकारी का, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का आरोप है कि इसमें धांधली हुआ है और बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट को भी इसमें यहाँ पे मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का रिजल्ट घोषित करने के बाद में अन्य जो सभी पोस्ट है उसके रिजल्ट को रिलीज करने की तैयारी में एलआरसी बिहार लगा हुआ है। और इसी बीच एक और मामला सामने आया है कि जो बिहार के अमीन संघ है, जो अभी अमीन के रूप में कार्यरत है, वो अमीन संघ यहाँ पे अमीन के बहाली में धांधली को लेकर धरना पर बैठे हुए थे, तो उसी के रिगार्डिंग हम आपको अपडेट देने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमीन का जो पोस्ट है इस वैकेंसी में 5500 के आसपास है, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन का 4950 पोस्ट है और अमीन के लिए 550, यानी टोटल पोस्ट की बात करें अमीन का तो यहाँ पे 5500 पोस्टों पर अमीन की जो है बहाली होने वाली है। और इसी के रिगार्डिंग जो है अगला रिजल्ट हम उम्मीद करते हैं कि अमीन का आएगा या फिर विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का आएगा, ठीक है, जो भी हो, लेकिन एक ना एक दिन तो अमीन का रिजल्ट आने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग में जो बिहार के अमीन संघ है उनको पता है कि बिहार में यहाँ पे जो एलआरसी बिहार है वो धांधली कर रहा है और उसी के रिगार्डिंग में बैकडोर एंट्री या फिर जो अदर स्टेट के इंस्टीट्यूट से यहाँ पे फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर लाए हैं उन्हीं के खिलाफ में धरना पर बैठे हुए थे। क्या अपडेट है उसके रिगार्डिंग में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा हुआ है, उस पर चलते हैं, सभी डिटेल प्रोवाइड कराया गया है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने तरफ से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलाइंस में बताया गया है कि अमीनू ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और यहाँ पे नीचे आइएगा तो बताया गया है 14 अगस्त 2019 का ये है अपडेट है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का, ठीक है। और यहाँ पे हेडलाइंस की बात करें तो बताया गया है अमीनू ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और डिटेल में बात करें तो लिखा गया है बिहार राज्य सर्वेयर या डिप्लोमा अमीन संघ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत होने वाली 5500 अमीनों की बहाली में धांधली व अनियमितता का आरोप लगाया है। संघ ने बहाली में निजी संस्थानों के डिप्लोमाधारियों के चयन का आरोप लगाते हुए पूर्व से कार्यरत अमीनों की प्राथमिकता के आधार पर बहाली की मांग को लेकर मंगलवार से गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन शुरू किया। बिहार के अमीन संघ का आरोप है कि निजी संस्थानों के डिप्लोमाधारियों को यहाँ पे प्राथमिकता दिया जा रहा है, जो कि ये पूर्णतः गलत है। और उन्होंने मांग किया है कि जो पूर्व में कार्यरत अमीन है उनको प्राथमिकता दिया जाए, उनको ज्यादा प्रिफरेंस दिया जाए, इस बेसिस पे सिलेक्शन को लेकर यहाँ पे गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन शुरू किए थे लोग। और आगे बताया गया है कि संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि निजी संस्थानों का अनुभवहीन व अकुशल अभ्यर्थियों का मात्र प्रमाण पत्र के आधार पर चयन किया जा रहा है, इनमें अधिकतर प्रमाण पत्र फर्जी है। तो जैसा कि पिछला जो रिजल्ट घोषित हुआ था सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी में, उसमें भी सेम आरोप लगाया गया था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर ला रहे हैं और ये इस वैकेंसी में अप्लाई किए हैं और उनका सिलेक्शन भी हो गया है, तो उसी जो है प्रमाण पत्र के बेसिस पे सिलेक्शन के जो है उस पर आरोप लगाया गया है। और अमीन संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी यही आरोप लगाए हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र के बेसिस पर उनका सिलेक्शन किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। और आगे बताया गया है जबकि पहले से कार्यरत अनुभवी संविदा अमीनों सर्वेयर व कर्मियों को हटाकर इन बहाली की जा रही है। विभाग बिना दक्षता परीक्षा लिए बिना कार्यकुशलता की जांच की बहाली कर रही है, जबकि पहले से सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षा पास कर भूमि सर्वे का काम कर रहे अमीनों को मामूली मजदूरी दिया जा रहा है। यानी यहाँ पे एक्सपीरियंस और कार्यकुशल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई प्रिफरेंस नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पे जो सरकार है बिना दक्षता परीक्षा और बिना कार्यकुशलता की जाँच किए जो है अमीनों की बहाली कर रही है। और आगे बताया गया संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि बंदोबस्त कार्यालयों में पहले से कार्यरत अनुभवी अमीनों को उम्र सीमा में छूट देकर बहाल किए जाए। और इस संघ के अध्यक्ष का एक और मांग है यहाँ पे कि जो पहले से कार्यरत अमीन है उनको भी यहाँ पे उम्र सीमा में छूट देकर उनको इस वैकेंसी में शामिल किया जाए, उनका ये मांग है। और देखिए क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है अमीन का जो रिजल्ट आने वाला है उस पर, लेकिन कुछ ना कुछ तो अगर इसमें धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पे हंगामा किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट में यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। और हम उम्मीद ये करते हैं कि जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट के प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर लाए हैं उनका यहाँ पे जांच करा के एलआरसी बिहार उनको इस वैकेंसी प्रक्रिया से अलग करे और उनका जो लिस्ट में नाम डाला गया है। और सभी को पता है कि यहाँ पे एलआरसी बिहार लगभग में जो है लिस्ट बना लिया है लेकिन उसका रिव्यू कर रहा है, तो यहाँ पे रिव्यू में हम उम्मीद यही करते हैं कि सभी कैंडिडेट जो फर्जी कैंडिडेट है उनका नाम यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट से अलग करे और उन सभी कैंडिडेट के ऊपर फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने के आरोप में यहाँ पे कार्रवाई करें।
तो यहीं हम उम्मीद करते हैं और देखते हैं कि कब एलआरसी बिहार अन्य पदों के लिए यहाँ पे रिजल्ट जो है जारी करता है। और इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।